हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? होपफुली सब कुछ बढ़िया होगा। आज हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बिजनेस एनालिसिस की, कि कितना पैसा ये कमाएगी या नहीं कमाएगी, या ये लॉसेस होंगे, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड है। तो इसके बजट से लेके मास्टरिंग से लेके जो इन्होंने VFX के ऊपर पैसे खर्च करे, वो सब चीज़ों में मिला के और अभी तक जितना बिजनेस हुआ है 3 दिन का मिला के, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आदि पुरुष का लगभग 221 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन हो चुका है और 250 करोड़ हो चुका है ग्रॉस। ठीक है, इसको दिमाग में रख लो, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो है 250 करोड़ रुपीज है। अब अगर हम बात करें कि इसका बजट कितना था, देखो बजट जो है वो था करीबन 500 करोड़ रुपए का। फिर इन्होंने 100 करोड़ रुपए खर्च करे VFX किया और ज्यादा मार्केटिंग करी, तो हायर साइड पे 700 करोड़ रुपीज का बजट निकला, जिसके अंदर से 150 करोड़ रुपए के आसपास तो प्रभास की अपनी फीस है। प्रमोशनल दिन जो बढ़े, सब कुछ बढ़ा, 6 महीने मूवी आगे चलेगी, वो सब कुछ मिला जुला के ये 700 करोड़ की फिगर आती है। अगर हम टीसी की बात करें, आज की डेट में सबसे अमीर प्रोडक्शन हाउस है जो इसको बैक कर रहा है, क्योंकि म्यूजिक के माध्यम से वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और अलग अलग जगह पे जब जब म्यूजिक बजता है तो उनको हर पेनी कलेक्शन करने का मौका मिल जाता है। अब इसका जरा बाइफर्केशन करते हैं, दो फिगर याद रखना। एक है 700 करोड़ की फिगर जो टोटल मिला के इसका बजट है और 250 करोड़ रुपए ग्रॉस इसका कलेक्शन हो चुका है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अभी इसको ब्रेक करते हैं। Amazon OTT और जो सैटेलाइट के राइट्स हैं वो 242 करोड़ रुपीज़ के बिके। वहीं पर थिएटर का जो सिस्टम है, वो थिएटर में जो साउथ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीपल मीडिया को दिया गया था 185 करोड़ रुपीज़ का। तो 242 प्लस 185 मिनिमम गारंटी के साथ दिया गया, तो उसका टोटल अगर आप करोगे तो बनेगा 427। 185 का मतलब हो गया कि अगर मूवी बहुत एक्सेप्शनली साउथ के अंदर अच्छा कर देती है तो एक कंडीशन के बाद आपको 185 के बावजूद और पैसे देने पड़ेंगे, ये मिनिमम गारंटी है, उसको भी समझते हैं अभी। और टी सीरीज ने बोला कि जी हम डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिया और ओवरसीज के अंदर, तो अब उनको रिकवरी कितनी करनी है। 700 करोड़ रुपए की मूवी बनी, 427 में भी मैंने आपको बताया उसने कलेक्ट कर लिए, तो बचे 263 करोड़ रुपीज़ जो उनको थिएटर से कमाने हैं। अब थिएटर में वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो साउथ के अंदर अगर हम पहले अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस वैल्यू पे मिलेगा और कितनी कलेक्शन के बाद मिलेगा, तो 185 का मतलब है कि अगर 400 करोड़ रुपए की कलेक्शन होती है ग्रॉस लेवल के ऊपर साउथ मार्केट के अंदर, तब उनको प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है, लग रहा है कि यहाँ प्रॉफिट्स आ जाएंगे, लेकिन हिंदी वाले वर्जन के अंदर 263 करोड़ रुपीस उसको रिकवर करने, क्योंकि बाकी जितनी भी रिकवरी है वो इधर उधर से हो चुकी थी जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस एग्जिबिटर का जो शेयर लेके चलते हैं, तो लगभग आपको 500 करोड़ रुपए का ग्रॉस और कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट्स आएंगे। अभी जो हो चुका है वो है 260 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 250 से 260 करोड़ रुपीज़, और उतना ही और करना है अभी। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो हिंदी बेल्ट है एटलीस्ट वहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा डाइसी लग रहा है कि रिकवर होगा कि नहीं होगा। साउथ की मार्केट में क्योंकि ऑलरेडी वो बेच चुके थे, तो वहाँ पर उनका पैसा रिकवर हो जाएगा प्रोड्यूसर्स का, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स आएगी 400 करोड़ रुपए के ऊपर, जो मंजिल अभी दूर है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जो इनको पैसा एंसिलरी जगहों पे बेच के, जैसे एयरप्लेन्स के अंदर मूवी बेच के, और जगहों पे 25 जगहें और हैं जहां पर इसको दोबारा बेचा जाएगा, तो वहां से इनकी रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अनलेस एंड अंटिल थिएटर में बहुत बड़ा जंप आ जाए। थिएटर्स अभी बस 3 दिन के अंदर ही, वैसे कलेक्शन तो वो काफ़ी बड़ा है, आधी रिकवरी हो चुकी है। अगर लॉस होगा भी तो वो बहुत मेजर लॉस नहीं होगा इनको, हायर साइड पे मुझे ऐसा लगता है 40-50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, अगर इसी तरीके के सेंटिमेंट्स रहे। अगर जैसे चल रहा है हर रोज के हिसाब से 50-60 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जैसे संडे वाले दिन 70 करोड़ रुपए आए और अगले सैटरडे संडे के अंदर फिर 25-25 करोड़ रुपए आ जाते हैं, फिर मेरे ख्याल से ये ब्रेक इवन से तो ऊपर आराम से ये मूवी हो जाएगी, अभी ऐसा बिजनेस टर्म्स में लग रहा है। विच मीन्स कि आप इस नज़रिए से देखें मोटा मोटा सा, कि अगर ये 500 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से, तो ये मूवी प्रॉफिट जोन में आना शुरू हो जाएगी सब के लिए। साउथ के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए शायद फिर भी नहीं, उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तेलुगु मार्केट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेट्स सी कैसा जाता है, क्योंकि जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो झोले खा रहे हैं, ऊपर से नेगेटिविटी फैलाने के लिए भी बहुत से लोग काफी ताकत लगा रहे हैं, देखते हैं किसकी ताकत जीतती है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। इसके लिए अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है नंबर्स के अंदर तो जरूर बताना। बाय बाय।